हाय दोस्तों, हर हर गंगे, आप सबका हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में। अभी आप निर्मल धारा की पावन दर्शन हर की पैड़ी हरिद्वार से कर रहे हैं। निर्मल धारा की वेग यहां पे काफ़ी तेज होती है। अभी हम आपको दिखाएंगे कौन सा जल हर की पैड़ी से होके जा रहा है और कौन सा जल हर की पैड़ी से नहीं। जो आपको जल दिखाई दे रही है वो हर की पैड़ी प्रवेश नहीं करती, और अभी जो जल आपको दिखाई दे रही है ये हर की पैड़ी से होके आ रही है। हमारी एंट्री हो चुकी है हरिद्वार हर की पैड़ी में, और अभी आप दृश्य देख रहे हैं हर की पैड़ी का मेन डोर का। जब आप तेज धूप से चल के आते हैं और हर की पैड़ी में प्रवेश करते हैं तो काफ़ी शीतलता आपको प्रदान होती है। जैसे कि आपने देखा वहाँ पे काफ़ी शीतल जल है, और चप्पल जूता यहाँ पे आपको रख के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको प्रवेश करते हुए ही आपको शीतलता प्रदान हो जाएगी। अभी हम आपको इस वीडियो में हर की पैड़ी के आसपास के दृश्य, और एक वीडियो हमारी और आने वाली है जिसमें हम मनसा देवी की लाइव दृश्य आपको दिखाने वाले हैं। अभी आप दृश्य देख रहे हैं नई घाट का, और जल की गति में आपको तेजी भी और जल की जो कलर उसमें आपको परिवर्तन भी आज दिखाई दे रहा होगा। पारदर्शिता माँ गंगा की आज आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, और साथ में आप अभी देख रहे हैं जल की गति भी काफ़ी तेज है। आप सबसे एक प्यारी से रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम आ चुके हैं घाट पे, और घाट का दृश्य आप अभी देख रहे हैं। निर्मल धारा की पारदर्शिता जैसे कि मैंने पहले ही बताया था बढ़ चुकी है। काफ़ी सारे श्रद्धालु कहना था कि निर्मल धारा में क्या रेत आ रहा है, तो अभी रेत की मात्रा बिल्कुल नहीं के बराबर है, काफ़ी कम रेत है। हमारे चैनल में एक वीडियो और आने वाली है, जैसे कि आप लोग कह रहे थे होटल धर्मशाला जो कि हर की पैड़ी के पास हो और सस्ते दाम में हो, तो आपको आज हमारे चैनल में एक ऐसी वीडियो मिलने वाली है जो आपके लिए ख़ास तौर पर है, जो कि काफ़ी कम दाम में है और काफ़ी अच्छी वहां पे व्यवस्था है। अभी जो दृश्य देख रहे हैं आप, यहाँ पे ही माँ गंगा की पावन आरती सुबह और शाम होती है। काफ़ी सारे श्रद्धालु इस ओर, और सामने जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है उधर लोग बैठ के माँ गंगा की दिव्य आरती की दर्शन शाम और सुबह करते हैं। हम अभी आ चुके हैं ब्रह्मकुंड के पास, और ब्रह्मकुंड के पास का दृश्य आप अभी देख रहे हैं। निर्मल धारा की जो गति है हर की पैड़ी में काफ़ी कम होती है, लेकिन हमने आपको पहले दिखाया था एक धारा और जहां पे काफ़ी तेज़ गति होती है, तो अभी वीडियो में एक बार और दिखाएंगे हम आपको कि कहां पे आपको स्नान करने में ज़्यादा सुविधा है, कि ज़्यादा गति वाले जल पे या फिर कम गति वाले जल पे। अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं ये कम गति वाला जल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। निर्मल धारा की शीतलता काफ़ी तेज होती है, और आप जब भी स्नान करें गर्मी से चल के आए तो 2-5 मिनट आप रुकें फिर स्नान करें, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज है और जल जिसमें हमें स्नान करना है काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है।
आज भीड़ आपको काफ़ी कम दिखाई दे रहा होगा। आज बुधवार है और अभी वीकेंड में 2 से 3 दिन बाकी है। जैसे वीकेंड आने वाला होता है भीड़ बढ़ जाती है और रास्ते बंद हो जाते हैं, और रास्ते बंद होने के बाद आपने दृश्य देखा ही है, चाहे वो माँ मनसा देवी का हो या माँ चंडी देवी का हो, काफ़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर हो जाती है। अभी हम आ चुके हैं महिला घाट पे। महिला घाट में उस तरफ चेंजिंग रूम का थोड़ा अभाव है, और अभी जिस तरफ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे चेंजिंग रूम काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे स्नान करने के बाद चेंजिंग करने के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। हम आ चुके हैं ब्रिज में, और ब्रिज से निर्मल धारा की पावन दर्शन आप अभी कर रहे हैं। आज भीड़ कम आपको दिखाई दिया होगा और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होता अगर भीड़ कम होता है तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी तो हर की पैड़ी से रेलवे स्टेशन हरिद्वार आने के लिए होता है, क्योंकि रास्ते बंद होने की वजह से काफ़ी दूर चलना पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हैं भीड़ बिल्कुल कम है, नहीं के बराबर है भीड़, और यहाँ पर खाने के पे काफ़ी सारे सामान हैं जो आप यहाँ पर खा सकते हैं, और ख़ासतौर पर अभी गर्मी को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर गंगे।